हेलो दोस्तों, स्वागत है नेक्स्ट व्लॉग पार्ट टू में। और ये है दिल्ली में कबूतर। तो बहुत सारे कबूतर थे, जैसे मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बाहर निकला, मुझे दिखे बहुत सारे कबूतर। फिर मैंने डाला उनके लिए दाने, और मेरा कैमरा देखो कहाँ पे फेंका हुआ है। मैंने कैमरा वहीं छोड़ छाड़ के मैंने कबूतरों को दाना खिलाया, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर को उनको उड़ाया भी, फ़ोटो खींचा, फिर कबूतर आके बैठे, और इस तरह से यही सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने सारे के सारे दाने रख दिए और अपने कैमरा उठा के मैं आ गया इस तरफ, जो वीडियो बना रहा था करण, और मैं इधर आ चुका हूँ। और ये देखो करण कहाँ घूम रहा है। हम अभी राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन और सेंट्रल पार्क के नीचे, और मुझे ये वाला व्यू दिखाना था कि मेट्रो चलते हुए, ये आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे देखो सेम टू सेम ऐसे फिल्मों में चलते रहता है, मेट्रो चल रही है, लोग पब्लिक पागलों की तरह इधर उधर चल रहे, किसी को कोई किसी से कोई मतलब। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ आज सदर में, यानी कि वेलकम टू सदर लिखा हुआ। सदर आपको पता है कि ये है दिल्ली में, दिल्ली सदर बाजार में हूँ। और यहाँ से चलते आप लोगों को दिखाऊंगा आज का सामान कि कितने रुपए के कितने सामान मिलते हैं। यहाँ राखी का ढेर लगा हुआ है, ये देख लो। फोन में रहा था मुझे। 15 अगस्त पे जो भी हम यूज करते हैं, 15 अगस्त यानी कि झंडा से रिलेटेड, पूरा का पूरा झंडे से रिलेटेड ही है। और ये है सदर बाजार दिल्ली। सदर बाजार दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ, अभी आ रही है राखी को लेकर। यहाँ पर पूरी धूम मची हुई है, इतने सस्ते सस्ते राखी जो आपने कभी सोची ना होगी, सच में कह रहा हूँ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतने सस्ते सस्ते राखी, अगर आप दुकान से लेते हो तो वो दुकान वाला पूरा अपना बेनिफिट जोड़ता है, उसके बाद देता है। और ये राइट भी बनता है उनका कि आपके लिए दिल्ली से ला करके और दुकान पे बेच रहा, तो उनका बनता है कितने रुपए में हम बेचे। बाकी ये देख लो, इस राखी की कीमत अगर मैं बता दूं तो आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी गाइज, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज है। ये राखी बहुत ही अच्छी और मस्त है। और हम निकले रेलवे स्टेशन की तरफ, और यहाँ से सदर बाजार से निकलने के बाद हम गए रेलवे स्टेशन, और रेल मतलब कि ट्रेन पकड़ के, और हम चले कुरुक्षेत्र के लिए। और अभी हम कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में हम घूम घूम के बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम चलते हैं घर वापस, लौट चलते हैं। मैं और करण दोनों जा रहे हैं वापस। फिर हमने खाए खाना, खाने में बैठ गए खाना खाने के लिए, और ये देखो खाना खाते हुए हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की। मैंने पूछा करण से कि भाई दिल्ली में घूम करके कैसा लगा, उसने बोला कि बिल्कुल बेकार। ऐसा मतलब बेकार क्यों बोला उसने, क्योंकि वो थका हुआ था और उसके जूते कुछ अलग तरीके के, आप नीचे देखो उस जूते में क्या हुआ कि चलते चलते उसके पैर जल्दी दुख जाते थे, इसलिए उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। मतलब हम घूमने गए हुए थे तो थोड़ी सी दूर चले तो वो कहता था कि भाई मैं बैठूँगा, मतलब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो लाजमी है कि हम 8-10 किलोमीटर तो हम पैदल ही निकल जाते हैं और पैदल ही चलते हैं। बाकी गाइस जी हम कुरुक्षेत्र में अभी खाना खा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आने के बाद हमने खाना खाया, सोचा कि लंच कर लेते हैं क्योंकि भूख भी लगी हुई थी। आने के बाद हम 2 बजे तकरीबन पहुंच गए थे कुरुक्षेत्र, तो वहां पहुंचने के बाद हमें बड़ी ज़ोर की भूख लगी, तो हमने खाना भी खाया। और मज़े की बात है कि हमने एक ही थाली में से दोनों ने शेयर किया, और बार बार ले कर शेयर किया, मतलब एक ही थाली में हमने बार बार मंगाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग ऐसे प्यार देते हैं, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अभी हम निकल रहे हैं घर पे, और एक ही दिन में आना जाना हमारा हो गया, ये जा रहा है चंडीगढ़ और मैं जा रहा हूँ घर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा जाएंगे और फिर घूम के आएंगे आगरा।